गाइस वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस अगर आप BGMI के अंदर एक न्यू प्लेयर हो एंड अगर आपको कुछ इशू यहां पर फेस करने को पड़ रहा है, मतलब कुछ बग एंड ग्लिच आपके अकाउंट में यहां पर चल रहा है, तो आप खुद कैसे उसे फिक्स कर सकते हो इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली बेसिकली क्लाइंट रिपेयर या फिर रूटीन रिपेयर करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप वो दोनों कैसे आप इजीली कर सकते हो। बट गाइस उससे पहले अगर आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो तो गाइस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको यहाँ पर गूगल प्ले का रिडीम कोड देखने को मिलेगा, एंड उसी रिडीम कोड को आपको करना है प्ले स्टोर में जाकर उसको पेस्ट करना है। एंड आपको आपके लक के हिसाब से अगर आपको कुछ भी यहाँ पर प्ले बैलेंस मिलता है तो आप उसी प्ले बैलेंस को यूज़ करके BGMI के अंदर यूसी परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक देखो तो गाइस आपको कहीं पर भी आपको रिडीम कोड देखने को मिल सकता है। एंड गाइस रिडीम कोड गाइस यहाँ पर 14 डेज का होता है, तो पूरा डालना, क्योंकि नहीं तो अगर आप कुछ अलग अलग डालोगे तो यहाँ पर आपका रिडीम कोड यहाँ पर गलत हो सकता है, एंड उसी टाइम पर कोई और बंदा यहाँ पर उसको रिडीम कर लेगा, ठीक है। तो मेन है कि आपको यहाँ पर सही से रिडीम कोड डालना है। तो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप कैसे क्लाइंट रिपेयर या फिर रूटीन रिपेयर कर सकते हो BGMI के अंदर, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में कुछ यहाँ पर ग्लिच या फिर बग यहाँ पर चल रहा है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद एक मिनट आपको सिंपली अपना अकाउंट जो है लॉग आउट करना है, ठीक है, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस करना ताकि सेफ रहे। ओके में क्लिक करना है, तो आपके अभी क्या होगा, आपका अकाउंट जो है गाइस ऑफिशियली लॉग आउट यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर साइड में यहाँ पर रिपेयर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पर रिपेयर में क्लिक करना है। एंड यहाँ पर गाइस आप मैप वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिलीट कर सकते हो गाइस, बट यहाँ पर बेस्ट है कि आप यहाँ पर जो देख रहे हो रूटीन रिपेयर, ठीक है, आपको यहीं पर ही क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करो यहाँ पर तो गाइस आपको चेयर पर जो आप डाउनलोड किया वो भी डिलीट हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो अपना अपडेट वगैरह किया वो सब कुछ यहाँ पर डाउनलोड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर रूटीन रिपेयर ही यहाँ पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर ओके में क्लिक करना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर और पूछा कि आपको क्लाइंट रिपेयर क्लियर मतलब ओके करना है, तो ओके करो, फिर आपका गेम क्या होगा रिस्टार्ट होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर ओके में क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस अभी क्या होगा, इस आपका जो गेम है वो रिस्टार्ट होगा। एक मिनट में इसे यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ठीक है। ओके तो गाइस अभी ये बंद हो गया, अभी अगर इस यहाँ पर बंद हो गया तो अभी आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर BGMI यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। तो अभी आपको फिर से क्या BGMI यहाँ पर ओपन करना है, अभी यहाँ पर हम थोड़ा मिनट यहाँ पर वेट करते हैं। तो गाइस अभी आपने क्या किया, जो भी आपने जो भी यहाँ पर पैच अपडेट किया था ना उसे आपने क्या किया, अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है, मतलब जो अपडेट में यहाँ पर कुछ गलत था उसे आपने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो गाइस अभी इसके बाद क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो गाइस हमने यहाँ पर सेफली यहाँ पर जो क्लाइंट रिपेयर है उसे हमने कर दिया है, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, एंड गाइस अभी यहाँ पर आपके अपडेट शो करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे केस में 3.8 MB का अपडेट शो कर रहा है, बट आपके केस में कुछ अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं इसे अपडेट करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल नियर का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही से अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ अपडेट फिनिश, प्लीज रिस्टार्ट द गेम टू सी न्यू कंटेंट। तो आपको यहाँ पर ओके में क्लिक करना है, एंड अभी आपको क्या करना है गाइस, एक मिनट, ओके। तो कैसे अभी आपको फिर से यहाँ पर BGMI यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिर से BGMI ओपन किया, तो यहाँ पर मैं इसे इधर लाता हूँ, एंड देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है। तो वैसे मैंने आपको पूरा इजी स्टेप बताया कैसे आपको क्या कुछ करना है क्लाइंट रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर आप देखते हैं अभी यहाँ पर कुछ अपडेट देखने को मिलता है कि नहीं, ठीक है। जो भी न्यू प्लेयर हो BGMI के अंदर आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आई नो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन, यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट, आई थिंक ओके। तो गाइस देखो अभी गाइस हमने क्या किया, फिर से यहाँ पर क्लाइंट रिपेयर कर चुके हैं पूरा सेफली, एंड अभी हमें सिर्फ यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पर इसलिए ट्विटर से लॉगिन करेंगे, एंड यहाँ पर इसे ऑथराइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है, एंड आई थिंक अभी लॉगिन हो जाएगा या। तो गाइस अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर लोडिंग हो चुका है, ठीक है, हम यहाँ पर गेम के अंदर लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपको कुछ भी यहाँ पर ऐसा इशू वगैरह आ रहा है लोडिंग स्क्रीन का, या फिर कोई ग्लिच हो रहा है आपके अकाउंट में, मतलब आपका यहाँ पर कैरेक्टर इमोट्स नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में, जैसे कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर इमोट हो रहा है, अगर आपका इमोट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी यहाँ पर ग्लिच और बग अगर चल रहा है आपके अकाउंट में, तो आप ऐसे करके यहाँ पर क्लाइंट रिपेयर करते हो ताकि आपका अकाउंट बिल्कुल यहाँ पर सेफ रहे, ठीक है। सो गाइस यही था पूरा वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, एंड अगर आपको रिडीम कोड मिला तो उसे जरूर प्ले स्टोर पर पेस्ट करो या फिर रिडीम करो एंड उसी परचेस कर लो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।